गाजियाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कानून व्यवस्था पर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गाजियाबाद के पुलिस कप्तान सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही राज्य मंत्री और विधायक के साथ साथ विभागीय अफसरों से भी बात की। वहीं जिले की कानून व्यवस्था पर मंत्री से कवि नगर थाने में पवन शर्मा व ग्रेटर नोएडा का चर्चित गौरव चंदेल हत्याकांड पर सवाल पूछा तो मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया। वहीं एंटी रोमियो पर मंत्री जी ने बताया कि इसके लिए योगी सरकार सख्त है और कार्यवाही की जा रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। सबसे पहले कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई और उसके बाद जिला योजना के लिए जो हाईएस्ट रिकमेंडेटरी बॉडी है जिला योजना समिति, उसके द्वारा 217 करोड़ 16 लाख की संस्तुति की गई। ये हाईएस्ट रिकमेंडेटरी बॉडी है जो संस्तुति करती है, शासन से परिव्यय निर्धारित होता है किस किस विभाग को, ये 48 विभाग हैं, किस किस विभाग को कितना कितना पैसा यहाँ से संस्तुति होके जाता है, उसके अनुरूप शासन अपनी तरफ से अवमुक्त करता है, ये इसकी प्रक्रिया है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है कि हर क्षेत्र में अपराध घटे हैं, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, अपहरण हो और या फिर वाहन चोरी हो, हर क्षेत्र में पिछले सालों के मुकाबले में अपराध घटे हैं और ख़ास तौर से दिसंबर के महीने में भी जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। प्रशासन और शासन पूरी मुस्तैदी के साथ गाजियाबाद में अपना काम कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि अपराध नहीं होते हैं, अपराध होते हैं लेकिन उसके बदले में कार्रवाई भी होती है। जहां कहीं अपराध की सूचना मिलती है उसके लिए कार्रवाई भी की जाती है। एंटी रोमियो में भी 354 हो, चाहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो या किसी भी प्रकार का महिलाओं के संग अपराध हो, उसके खिलाफ मुस्तैदी से कार्रवाई की।